हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं और मायके में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ। और यहाँ पे देव अपनी नानी के साथ रेडी हो चुका है, बाहर जा रहा है वो एंगेजमेंट पार्टी में। और पास में ही अम्बेडकर भवन वहीं पर है और वो हमारे मोहल्ले में आंटी है, उन्हीं के यहाँ की एंगेजमेंट है। तो मम्मी जी की मतलब किटी पार्टी में और मंडली में भी है रामायण की वो आंटी, तो बस वहीं पे लोग जा रहे हैं। स्वीटू और मैं तो अभी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि आज हम लोगों ने लेट तक कूलर की फिटिंग वगैरह, स्वीटू ने देखी, मैं उनके साथ ही आगे पीछे रही, तो हम लोग अभी तक नहाए नहीं है। दोपहर का टाइम है, कल का ब्लॉग जहाँ पे एंड किया था वहीं से ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। तो आपने देखा ही था कल के ब्लॉग में, मम्मी जी ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ढोकले बनाए थे जो बचे थे, तो उसको अभी बस डीप फ्राई करके जल्दी से पेट पूजा करेंगे। क्योंकि अभी मम्मी जी तो चलने के लिए बोल रही है, बट अब इतना थकने के बाद अभी जाने का मन नहीं, तो देव जाएगा, इन्जॉय करके आएगा। जय माता दी, कपड़े में गिराना मत, खाएगा तो अच्छे से खाना। कैसे चाची? इधर ठीक है। अरे पहले से मम्मी जी ने नहीं बताई जाना करके, अब भी बताई। अब उनने कूलर उलर का सब काम निकाल लिए थे, अब भी नहाने गए हैं वो। अब देखते हैं, पहले खाना खाएंगे, आराम करेंगे वो थोड़ी देर। चाचा के अभी जाना। हाँ हाँ, इसको बड़ा पता है ना, इसको पूरा मालूम है कहाँ है क्या। जा नानी के पास, चंडल पहन, अम्बेडकर भवन। ऊपर क्यों कर रहा है कपड़े में, नीचे रख के पहन। हाँ दुबली होती, ऊपर उतनी दिखती नहीं हूँ। जाने जल्दी, आपने पहने सैंडल? हाँ देखते हैं, भूख लग गई बहुत अभी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पैंट ऊपर कर पीछे से अपनी, बेल्ट नहीं लगाया, बोली थी बेल्ट लगा ले। अब जा, कुछ नहीं होता, टी शर्ट लंबी है, नीचे कर ले टी शर्ट पीछे से। हाँ जी, तो आप देख ही चुके हैं देव बड़ा खुश हो के अपनी बहुत सारी नानियों के साथ, मतलब मम्मी जी की फ्रेंड्स, मोहल्ले की हमारी जो चाची आंटी जी वगैरह हैं सबके साथ गया है। और पास में ही है अम्बेडकर भवन, मतलब हमारी ही मोहल्ले में है, तो जल्दी से जाएगा, इंजॉय करके आएगा। पार्टी शादी का खाना सभी को पसंद होता है, तो देव काफ़ी टाइम से नहीं गया था तो उसको अच्छा भी लगेगा। और उसके जाने के बाद जल्दी से नहा के आई हूँ, सीटों भी नहा के आ गए क्योंकि काफ़ी थक गए थे, बहुत गर्मी लग रही थी। और उसके बाद ढोकलों को मैंने डीप फ्राई करना शुरू किया है, तो बस ढोकले डीप फ्राई करके खाएंगे। और स्वीटू को जब सेकंड टाइम ढोकले खाना होता है ना ब्रेकफास्ट के बाद, जब अगर लंच में खाते हैं तो डीप फ्राई पसंद है, क्योंकि जब वो ठंडे हो जाते हैं उसके बाद जब उसको फ्राई करो तो जो क्रिस्पीनेस आती है ना वो ज़्यादा अच्छी आती है। गर्म में करेंगे तो उतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हो पाते, बहुत देर तक करना पड़ता है। और यहाँ किचन में एग्जॉस्ट फैन ऑन था, इस वजह से ना स्वीटू और मैं जो भी बातें कर रहे थे वो कुछ पूरी मतलब समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो बस यहाँ पे पीने के लिए जग नहीं दिख रहा था, तो मैंने लोटे में एक बड़े से बर्तन में पानी ले लिया है, क्योंकि मुझे पानी बहुत ज़्यादा लगता है। वैसे तो खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, बट मेरी आहार नलिका छोटी है मे भी, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी जी के हाथ के एकदम वर्ल्ड फेमस टेस्टी टेस्टी ढोकले। इस टाइम तक हम लोगों को इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना कि हम लोगों से वेट नहीं हो रहा था। एक बार तो मन किया था कि नहीं फ्राई नहीं करते ऐसे ही खा लेते, फिर मैंने सोचा नहीं स्वीटू को डीप फ्राई ज़्यादा पसंद है, तो थोड़े से प्लेन रख लिए, थोड़े से डीप फ्राई कर दिए। अगर देव का आने के बाद मन करेगा तो वो या मम्मी जी भी खा सकते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं आने के बाद वो लोग खाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर वो लोग गए 3:30 बज रहे थे इस टाइम, आई थिंक अब तो भूल गई हूँ मैं टाइम, बट काफ़ी लेट हो गया था।
तो बस इसके बाद हम लोगों ने जल्दी से पेट पूजा करी। यहाँ पे पीनट वाली चटनी है, दही वाली, और साथ में सॉस है, सॉस स्वीटों के लिए, क्योंकि उनको सॉस के साथ पसंद है। पापा जी अंदर रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि दवाइयाँ लेते हैं ना दोपहर में, तो उनको नींद आती ही आती है। और ये रही मैं, अब मैं भी जल्दी से बहुत ज़्यादा भूखी हूँ तो खा लेती हूँ। वो तो 160 लिखा है लेकिन 100 रुपए में लेता है राकेश मेडिकल ना। और ये इसके भी ना दवाई के पहचानता है उसकी दुकान ने मेरे को। शादी के एक डेढ़ दो साल बाद लेके गए थे, आप आए हुए थे, कोई दवा बताया था आपके, मेरे दोस्त की दुकान है साथ में पड़ता था। हाँ मैं क्या कह रही थी, दवाई हो गई और ये दवाई हो गई, मोटर हो गई, मोटर जी। हाँ, और ये जो दी है ना आपको, क्या दिए? ये दी है ना? एक बोतल दिए हो और दो दवा के पत्ते दिए हो। हाँ तो जो बोतल है ना लॉलीपॉल, वो आई है लॉलीपॉल, लॉलीपॉल तो वो लाना है, तीन तीन बोतल लाना है, ठीक है तीन बोतल लाना है। लॉलीपॉप जानता हूँ मैं, इसमें कीमत 160 कुछ लिखा रहता है पर 100 रुपये में देते हैं। काम कर दोनों। दीदी नमस्ते, भाभी कैसे हो? हाँ कलिता, पकड़ो मोबाइल। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम लोग जा रहे हैं पापा जी के फ्रेंड के शॉप पे, क्योंकि पापा जी के कुछ कुछ मेडिसिन्स ख़त्म है और पापा जी को रेगुलर मेडिसिन्स रखनी ही पड़ती है। मतलब हर मंथ के डॉक्टर जो बोलते हैं उस हिसाब से, कभी कभी वो चेंज भी करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो जो भी मेडिसिन है ना उनके फ्रेंड की शॉप से ही लेते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि रिलायबल, और वैसे तो सारे मेडिकल ही अच्छे होते हैं, बट जहाँ पर आपकी पहचान होती है हर कोई वहीं जाना पसंद करता है। हमारे मोहल्ले में कम से कम 6 से 7 मेडिकल मिल जाएंगे लाइन से, बट वहाँ पे पापा जी को उनके फ्रेंड है इस वजह से डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है। डिस्काउंट मोहल्ले की शॉप्स पे भी मिल जाएगा बट जितना वो देंगे उतना नहीं मिलेगा इस वजह से। तो जल्दी से मेडिसिंस लेते हैं और कुछ कुछ लेना है वो भी लेते हैं। जो कूलर फिट किया ना उसमें पानी की मोटर ख़राब थी तो हम लोग उसके लिए भी रुके थे बीच में, बट वहाँ पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कैमरा नीचे ही था। इसके बाद अब आए हैं हम लोग मेडिकल शॉप पर, और अपने होम टाउन आओ और बाहर निकलो तो सब लोग पहचान के दिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। We'll be right back.
हम जब भी वाराणसी आएंगे और मार्केट आएंगे तो यहाँ से पापा जी मम्मी जी के लिए लस्सी आइसक्रीम जरूर लेके जाते हैं। इनके यहाँ की लस्सी पापा जी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस यहाँ पे लस्सी पैक करा रहे थे। और इसके बाद हम लोग पहले घर पे देके आ जाएंगे लस्सी, और आगे चौपाटी पे भी देखते हैं कुछ लेने का, और देके आने के बाद फिर हम दोनों आके खा लेंगे। क्योंकि देव को नहीं लेके आएंगे, देव को नहीं लाने का रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि अगर आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करे, उसको भी अच्छा लगेगा। हम जब भी यहाँ आते हैं ना मार्केट जाना हो तो देव को लाते हैं बाहर घुमाने के लिए। जैसे कल उसको गार्डन लेके आने का प्लान है, क्योंकि लास्ट टाइम वो जो ट्रेन में बैठ नहीं पाया था ना गार्डन की, तो वो जिद कर रहा था, तो उसको ज़रूर लेके आएंगे कल। बट आज उसको पापा जी मम्मी जी के साथ ही रहने देते। कोशिश ये रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पापा जी मम्मी जी के साथ रहे, क्योंकि वहाँ पर रहता ना तो बड़ा मिस करता है। यहाँ का स्टेडियम, और इसके बाद है सिविल हॉस्पिटल, इसके बाद है पार्क, उसके बाद है लाइन से पूरी चौपाटी, और मार्केट पीछे भी है और यहाँ पे आगे भी मार्केट है। ये जो रोड है ये इस तरफ से जाएंगे तो जबलपुर वाला रोड है, और हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ जाएंगे तो ये गोंदिया बालाघाट वाला रोड है, और रायपुर रोड भी इसी को बोलते हैं। और अभी जब हम टर्न करेंगे हमारे घर के साइड तो वो नागपुर तुमसर भंडारा वो वाला रोड हो जाएगा। तो पहले चौपाटी पे रुकते हैं, चाट पैक करा लेते हैं पापा जी के लिए। चाट में कम मिर्च, क्योंकि डॉक्टर उनको मिर्च मना करता है ना, तो कम मिर्च ज़्यादा दही वाला कराएंगे। और देवर मम्मी जी तो मतलब जो नॉर्मल मिक्स वाला होता है वो वाला खाते हैं। वैसे तो बालाघाट में असाठी का फेवरेट है मेरा, बट वाराणसी में मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, पार्क के सामने जो इंडियन चाट है। और मोस्टली तो मैं घर में ही बनाती हूँ चाट, स्वीटू को मेरे हाथ का चाट बहुत पसंद है। और गर्मियों में ज़्यादा बनाती हूँ, विंटर्स में तो कम बनाती हूँ, खांसी होने का डर रहता है ना, देव छोटा है अभी, बट गर्मियों में तो बन ही जाता है वीक में एक या दो बार। तो बस हम लोग अपने मोहल्ले में एंटर कर चुके हैं और बस घर की तरफ जा रहे हैं। वो देखिए सामने घर दिख रहा है ना, लाइट ऑन है, जो वाइट और पिस्ता कलर में जो है वो है। बस अब घर की तरफ जा रहे हैं, पापा जी मम्मी जी देव को चाट और लस्सी दे आएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं वापस, और बस अब हम लोग भी पेट पूजा करेंगे। भैया बस हम लोगों का चाट बना ही रहे हैं, साथ में और लोगों का पहले से ऑर्डर था तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा, तब तक हम लोग बैठ गए। और बैठने के बाद हम लोगों ने किया था मोस्ट फेवरेट काम, जो कि है पिक्स लेना। स्वीटू को, मुझे देव को पिक्स का कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, हम कहीं पे भी जाएं पिक्स ना ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये जस्ट पीछे गांधी बाल उद्यान है, मतलब यहाँ का पार्क, यहाँ का गार्डन, यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा आना पसंद करते हैं, और हम भी सारे फैमिलीज़ वाले भी यहाँ आना पसंद करते ही हैं। और बस चाट आ चुका है, जल्दी से पेट पूजा करते हैं फिर घर जाएंगे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पुराने व्लॉग्स भी जाकर देखिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट कर पाए। तो कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ 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 मेरे पुराने व्लॉग्स स्टार्टिंग से देखिए, तब आप इजिली हमारी फैमिली से समझ पाएंगे।